अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अवैस अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। आज मैं मौजूद हूँ मेन जिना एवेन्यू की बी साइड के ऊपर, और मेरे सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, एक हाई राइज बिल्डिंग यूबी एंड ट्रेड टावर के नाम से है। और इसके बिल्डर्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो इस्लाम सेट एंड बिल्डर्स जो हैं वो इन्होंने इसको बनाया है। और अभी इसका नेक्स्ट ईयर तक जो है वो पोजेशन एक्सपेक्टेड था। यहाँ जो इसका पेमेंट प्लान रखा गया था उसमें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर तक थी या इस ईयर के लास्ट तक। और अभी जो है वो हमें विद इन 3 to 4 मंथ्स जो है वो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका पोजेशन जो है वो भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा बिल्डर्स का अगर मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ तो इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स जो कि बेहर टाउन कराची में डिलीवरी के हवाले से या काम के हवाले से एक अच्छा नाम रखते हैं। इससे पहले DX लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्मार्ट अपार्टमेंट्स, DX हाइट, और रिसेंटली जो है वो DX ट्रेड टावर के नाम से इनके प्रोजेक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। और इस टाइम पे सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी इन्होंने अभी तक लॉन्च किए हैं उन सब पे जो है वो ऑन ग्राउंड काम जो है वो जारी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो अपने ग्रे सेक्टर में भी रेडी हैं। ग्राउंड प्लस 15 की ये बिल्डिंग है, और इसकी सराउंडिंग में अगर आप देखते हैं तो हमें मेन जिना एवेन्यू की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं, स्टार्ट से लेके जहाँ पे जो है वो अली सकलैन वालों के प्लॉट से स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद आगे DT टावर, जिनर प्लाजा, अल्फा टावर आ जाता है, और नेक्स्ट में हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में नज़र आ रही हैं। लेकिन UBN ट्रेड टावर जो कि इस टाइम पर अपनी फिनिशिंग के बिल्कुल करीब है, और इसमें जो है वो 2 पैसेंजर लिफ्ट दी जा रही हैं, इसके अलावा जो है वो कार्गो लिफ्ट दी जा रही है जो कि आप अपना सामान वगैरह या ऑफिस की मशीनरी वगैरह मूव करने के लिए जो कार्गो लिफ्ट दी जाती हैं एक किसी भी प्रोफेशनल बिल्डिंग में वो यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके अलावा जो है वो छोटे बड़े साइज़ के ऑफिसेज इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर हम इसकी बात करते चलते हैं रेट्स की, तो रेट्स के वाले इस टाइम पर यह है कि हमें बुकिंग पे कोई चीज़ नहीं मिल रही मार्केट के अंदर भी, और ना ही बिल्डर की जानिब से, क्योंकि बुकिंग इसकी जो है वो आज से दो ढाई साल पहले की गई थी। तो उस टाइम पे जो रेट था और आजकल जो रेट्स चल रहे हैं मार्केट में उनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो रीसेल में हमारे पास कुछ अच्छे ऑप्शन इस टाइम पर अवेलेबल हैं जो कि डेफिनेटली अभी जिनको हम अवेल करके एक अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में उनसे हासिल कर सकते हैं। अभी अगर आप रीसेल में ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ टाइम है इसका पोजेशन हैंड ओवर होने में, तो जैसे इसका पोजेशन हैंड ओवर होगा तो अगर हम इसे रीसेल में लेके जाएंगे दोबारा से अपनी चीज़ को, तो तब भी हमें एक अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है। और सेकेंडली जो है इस टाइम पे मेन जिना के ऊपर हमें जो है वो किसी चाहे वो कोई सा भी फ्लोर हो, ग्राउंड से लेके ऊपर लास्ट फ्लोर तक जो है वो हमें एक रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो मंथली रेंट्स भी हम इससे जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सराउंडिंग के हवाले से भी जो है वो एक अच्छी लोकेशन है, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो उसकी सराउंडिंग में ये बिल्डिंग बनने जा रही है UBN ट्रेड टावर की। तो UBN ट्रेड टावर के हवाले से यहाँ बेहर टाउन कराची में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।